नमस्कार साथियों, अपने लक्ष्य की स्पष्ट रूप से कल्पना करें और उसमें अपनी इच्छा और विश्वास जोड़ें, आप निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, जिस प्रकार से SSC GD कांस्टेबल के लिए हमने रीजनिंग के एक सफलता बैच की शुरुआत कर रखी है, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज वीडियो करवाते हैं, ठीक है। इस सीरीज के अंदर 35 भाग हम पहले से डाल चुके हैं, आज ये भाग नंबर 36 नंबर रहेगा, ठीक है। इससे पहले के भाग अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें जरूर चेकआउट कीजिएगा, या आप ऊपर आई बटन से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं कथन एवं पूर्व धारणाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहां से SSC GD या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। आज इस टॉपिक को हम फुल कंसेप्ट और अमेजिंग ट्रिक के साथ क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने साथियों तक इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। प्यारे साथियों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ठीक है। क्योंकि हम आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे लेवल से करवाते हैं। तो चलिए आज की क्लास के हम साथियों क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके सामने है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं कथन एवं पूर्व धारणाएं, ठीक है। सबसे पहले जो इसका बेसिक कंसेप्ट है उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, जिससे कि इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रश्न में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन क्या है। तो ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, किसी भी विषय से संबंधित दी गई जानकारी को कथन यानी स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। किसी भी विषय से संबंधित दी गई जानकारी को कथन यानी स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित अवधारणा जो किसी कथन में सन्निहित तथ्य को दर्शाती है उसे पूर्व धारणा कहा जाता है, अर्थात कोई मानी हुई गृहित बात ही पूर्व धारणा है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे जो भी कथन यानी स्टेटमेंट दिया जाएगा उसके पीछे इसका क्या रीजन है उस रीजन को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर होने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए, आपके पास सबसे पहले यहाँ पे है कथन यानी स्टेटमेंट, इसको आपको 1 से 2 बार अच्छे से रीड करना है, अच्छे से समझना है। तो ध्यान से देखिए कथन क्या है, यदि पूरे महीने बारिश नहीं होती है तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे। दोबारा से ध्यान से देखिए, यदि पूरे महीने बारिश नहीं होती है तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे। प्यारे साथियों, ये जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दी गई, इस स्टेटमेंट को देने के पीछे क्या रीजन रहा है उस रीजन को हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे 2 आपके पास पूर्व धारणाएं दी गई हैं। सबसे पहली जो धारणा है इसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, समय से बारिश होना खेती के लिए अनिवार्य है, समय से बारिश होना खेती के लिए अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पूर्व धारणा है इसको ध्यान से देखिए, सामान्यतः अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर होते हैं, सामान्यतः अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर होते हैं। तो प्यारे साथियों, इस स्टेटमेंट के आधार पर जो आपको यहाँ पे नीचे पूर्व धारणा दी गई है, इनमें से कौन से पूर्व धारणाएं आपकी राइट होने वाली है, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, 1 और 2 दोनों ही पूर्व धारणाएं आपकी बिल्कुल राइट होने वाली है। कांसेप्ट क्या है उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि समय से बारिश खेती के लिए अनिवार्य है और यदि बारिश नहीं हुई तो यह संकट की स्थिति पैदा करेगी। इसका मतलब पहली पूर्व धारणा बिल्कुल राइट है, ठीक है। साथ ही अधिकतर किसान बारिश पर ही निर्भर होते हैं, इसका मतलब सेकंड आपकी पूर्व धारणा भी बिल्कुल राइट होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट जो भी कथन दिया गया है, कथन को देने के पीछे
क्या इसकी पूर्व धारणाएं रही है उसको हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपके पास जो कथन दिया गया है, यदि पूरे महीने बारिश नहीं होती तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे, इसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले इसकी पूर्व धारणा है, समय से बारिश होना खेती के लिए अनिवार्य है, यह भी बिल्कुल राइट है। और सेकंड पूर्व धारणा है, सामान्यतः अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर करते हैं, इसका मतलब ये आपकी पूर्व धारणा भी बिल्कुल राइट होने वाली है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले क्वेश्चन को आप एक से दो बार अच्छे से रीड करने की कोशिश कीजिएगा, उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम काफी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर होने वाला है, ठीक है। और इन सभी की जो पीडीएफ है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सभी प्रकार के पीडीएफ मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, इसको एक से दो बार आप अच्छे से रीड करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपके पास जो कथन है, यद्यपि भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी दूसरे देशों से इसका आयात किए जा रहे हैं। दोबारा से ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए, यद्यपि भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी दूसरे देशों से इसका आयात किए जा रहे हैं। तो इस कथन को देने के पीछे क्या रीजन रहा है, क्या पूर्व धारणाएं रही है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहली पूर्व धारणा आपके पास है, हो सकता है फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा न करे। सेकंड पूर्व धारणा है, चीनी की मांग में भविष्य में बहुत वृद्धि हो सकती है। तो आपके पास जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, इसके आधार पे कौन सी पूर्व धारणा आपकी राइट होने वाली है? तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, इस कथन के आधार पे जो आपकी पूर्व धारणा रही होगी वो कौन सी रहेगी? नंबर एक के साथ। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा करने में शायद समर्थ न हो। मतलब इस कथन के देने के पीछे रीजन हमारा बिल्कुल क्लियर है, कौन सा नंबर? एक नंबर पूर्व धारणा बिल्कुल राइट है, हो सकता है फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा करने में शायद समर्थ न हो, ठीक है। तो आपका राइट आंसर रहेगा नंबर एक के साथ। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। कथन आपके पास है, सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं, बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं, बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, इसके पीछे क्या रीजन रहा है, उसको ध्यान से फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले पूर्व धारणा आपके पास है, भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। सेकंड पूर्व धारणा आपके पास है, सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के लिए पर्याप्त धनराशि, ठीक है। इस कथन के देने के पीछे कौन सी पूर्व धारणा आपकी बिल्कुल राइट होने वाली है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर एक के साथ। कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। कथन अनुसार 18 वर्ष से ऊपर के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, क्योंकि उन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। अर्थात उनकी पूर्व धारणा यही रही होगी कि उन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें भत्ता देना चाहिए। इसका मतलब पूर्व धारणा एक आपकी बिल्कुल राइट होने वाली है, जबकि पूर्व धारणा सेकंड आपकी यहाँ पे गलत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सभी शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसलिए यह कथन में अंतर्निहित नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है, ठीक है। अभी के लिए जो आपकी पूर्व धारणा रही है इस कथन के आधार पर, सभी ऐसे
ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। तो कौन सी पूर्व उदाहरण रही है इसके पीछे? नंबर एक, भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। नंबर एक बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास यहाँ पे जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। कथन आपके पास है, शहर में हेजा को फैलने से रोकने का प्रयत्न करने के लिए चिकित्सा विभाग ने लोगों से केवल उबला हुआ पानी प्रयोग करने को कहा। दोबारा से ध्यान से रीड कीजिए। शहर में हेजा को फैलने से रोकने का प्रयत्न करने के लिए चिकित्सा विभाग ने लोगों से केवल उबला हुआ पानी प्रयोग करने को कहा। इस कथन को देने के पीछे कौन सी पूर्व धारणा रही है? ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। नंबर एक पूर्व धारणा आपके पास है, शहर में प्रदान किए गए पानी की गुणवत्ता पर संदेह है। शहर में प्रदान किए गए पानी की गुणवत्ता पर संदेह है। सेकंड पूर्व धारणा आपके पास है, शहर में हेजा होने की कुछ सूचना मिली है। तो इस कथन के आधार पर आपके पास दो पूर्व धारणाएं दी गई है। तो कौन सी पूर्व धारणा आपकी राइट होने वाली है? तो प्यारे साथियों, आपकी दोनों ही पूर्व धारणाएं बिल्कुल करेक्ट होने वाली हैं, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। शहर में प्रदान किए गए पानी की गुणवत्ता पर संदेह है तथा पानी को उबालकर पीने से उसमें कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, का मतलब पहली पूर्व धारणा बिल्कुल राइट है। तथा शहर में हेजा होने की कुछ सूचना मिली है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। इस स्टेटमेंट के पीछे ये दोनों रीजन आपके बिल्कुल राइट है। उम्मीद करते हैं आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। आपके पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, इसको आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत सी किताबों की दुकान बंद होती जा रही है क्योंकि उनकी बिक्री कम होती जा रही है और दुकानों का किराया बढ़ रहा है। दोबारा से ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। बहुत सी किताबों की दुकान बंद होती जा रही है क्योंकि उनकी बिक्री कम होती जा रही है और दुकानों का किराया बढ़ रहा है। इस कथन को देने के पीछे क्या पूर्व धारणा रही है, उसको ध्यान से देखिए। नंबर एक पूर्व धारणा आपके पास है, लोगों में पढ़ने की आदत कम हो रही है। लोगों में पढ़ने की आदत कम हो रही है। सेकंड पूर्व धारणा को ध्यान से देखें, किताबों की दुकानों का शुद्ध लाभ कम हो रहा है। किताबों की दुकानों का शुद्ध लाभ कम हो रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट, जो भी कथन दिया गया है, इस कथन के पीछे कौन सी पूर्व धारणा रही होगी, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सेकंड के साथ। ठीक है, कंसेप्ट क्या है उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि किताबों की दुकानों का शुद्ध लाभ कम हो रहा है, किताबों की बिक्री कम हो रही है तथा दुकानों का किराया भी बढ़ रहा है, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि लोगों में पढ़ने की आदत कम हो रही है। इसलिए पूर्व धारणा आपकी सेकंड बिल्कुल राइट है, पूर्व धारणा एक इसमें गलत होने वाली है। ठीक है, उम्मीद करते आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। आपके पास जो ये स्टेटमेंट दी गई, इसके पीछे देने का कौन सी पूर्व धारणा राइट रहेगी, सेकंड, किताबों की दुकानों का जो शुद्ध लाभ है वो कम हो रहा है। ठीक है, एक नंबर पूर्व धारणा आपके यहां से गलत होने वाली है, लोगों में पढ़ने की आदत कम हो रही है, ये पूर्व धारणा बिल्कुल इसके पीछे नहीं रही। ठीक है, तो पूर्व धारणा कौन सी रही होगी इसके पीछे, सेकंड नंबर। उम्मीद करते हैं यहां तक का कांसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। बच्चों की आयु 5 वर्ष के लगभग होने पर उसको विद्यालय में प्रवेश करा देना चाहिए। बच्चों की आयु 5 वर्ष के लगभग होने पर उसको विद्यालय में प्रवेश करा देना चाहिए। इस कथन को देने के पीछे कौन सी पूर्व धारणा एग्जाम की रही है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। आपके पास यहाँ पे दो पूर्व धारणा है। नंबर एक, इस आयु के होने पर बच्चों का उचित विकास होता है और वे सीखने को तैयार होते हैं।
दोबारा से ध्यान से रीड कीजिए। इस आयु के होने पर बच्चों का उचित विकास होता है और वे सीखने को तैयार होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड आपकी पूर्व धारणा है, विद्यालय 6 वर्ष से बड़े बच्चों को दाखिला नहीं देता, विद्यालय 6 वर्ष से बड़े बच्चों को दाखिला नहीं देता। तो प्यारे साथियों, आपका यहाँ पे जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को देने के पीछे कौन सी पूर्व धारणा आपकी रही होगी, नंबर 1 या नंबर 2? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 1 के साथ, ठीक है। एक नंबर पूर्व धारणा इसमें बिल्कुल राइट होने वाली, क्योंकि दिए गए कथन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 5 वर्ष की आयु के बच्चों का उचित विकास होता है तथा वह सीखने को तैयार हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं केवल एक नंबर जो पूर्व धारणा है वो बिल्कुल राइट होने वाली है और सेकंड जो पूर्व धारणा है वो बिल्कुल इसमें गलत होने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है, ठीक है। आपके पास जो स्टेटमेंट दी गई है, बच्चों की आयु 5 वर्ष के लगभग होने पर उसको विद्यालय में प्रवेश करा देना चाहिए, इसके पीछे की पूर्व धारणा कौन सी रही होगी? नंबर 1 में इस आयु के होने पर बच्चों का उचित विकास होता है और वे सीखने को तैयार होते हैं। एक नंबर पूर्व धारणा बिल्कुल इसमें करेक्ट होने वाली है। उम्मीद करते हैं यात्रा का कंसेप्ट आपका बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिए। आपके पास यहाँ पे जो कथन, जो स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। जब तक कि देश आर्थिक समानता को उपलब्ध नहीं करता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। दोबारा से रीड कीजिए। जब तक कि देश आर्थिक समानता को उपलब्ध नहीं करता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। इस कथन के देने के पीछे कौन सी पूर्व धारणा रही होगी? नीचे आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 1 पूर्व धारणा, लोकतंत्र और आर्थिक समानता एक साथ चलती है, लोकतंत्र और आर्थिक समानता एक साथ चलती है। या सेकंड पूर्व धारणा आपके पास है, लोकतंत्र और स्वतंत्रता आर्थिक समानता पर निर्भर नहीं है, लोकतंत्र और स्वतंत्रता आर्थिक समानता पर निर्भर नहीं है। तो इस कथन के देने के पीछे कौन सी पूर्व धारणा आपके बिल्कुल राइट रही होगी? तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इस कथन के पीछे हमारी पूर्व धारणा नंबर 1 बिल्कुल राइट रही होगी, क्योंकि समाज में स्वतंत्रता तथा आर्थिक समानता बनाए रखने के लिए लोकतंत्र का निर्माण किया गया है। ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। समाज में स्वतंत्रता तथा आर्थिक समानता बनाए रखने के लिए लोकतंत्र का निर्माण किया गया। इसका मतलब इस कथन के पीछे कौन सी पूर्व धारणा रही होगी? नंबर 1 के साथ। उम्मीद करते हैं यात्रा का कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल 200 रनों में से 150 रन स्पिन गेंदबाजों ने बनाए। दोबारा से अच्छे से इसको रीड करने की कोशिश कीजिए। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल 200 रनों में से 150 रन स्पिन गेंदबाजों ने बनाए। इस कथन के देने के पीछे कौन सी पूर्व धारणा एग्जाम की रही होगी? नीचे आपके पास 2 पूर्व धारणा है। नंबर 1, टीम में 75% स्पिन खिलाड़ी थे। या इस कथन के पीछे सेकंड पूर्व धारणा है, तेज गेंदबाजों ने स्पिन खिलाड़ियों से अधिक अच्छा खेला। तेज गेंदबाजों ने स्पिन खिलाड़ियों से अधिक अच्छा खेला। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अभी जो हमने आपका डाटा क्लियर किया है उसके आधार पे आप इस प्रश्न का आंसर कुछ ही सेकंडों में इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपकी स्टेटमेंट है, जो कथन है, इसके पीछे कौन सी पूर्व धारणा रही होगी? इसको देने के पीछे आपके पास यहाँ पे 2 पूर्व धारणा आपके पास है। तो 1 नंबर या 2 नंबर, कौन सा राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों, आज के सभी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट करके मुझे आप जरूर बताएंगे ये वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है। इसके बाद इसके नेक्स्ट भाग मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।